वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन व्लॉगर सोनाली। आज की रेसिपी है पिंडी चने, पिंडी छोले भी बोलते हैं इसको। तो बहुत ही फेमस रेसिपी है पंजाब में, तो व्हाइट चने हर घर में बनते हैं, लेकिन जो मेरा स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल को रात भर ओवरनाइट सोक करके रखा है और अब हम इनको बॉइल कर लेंगे। तो चनों को मैं कुकर में डाल दूंगी और इसके साथ मैं डाल दूंगी थोड़ा पानी। बस पानी हमें इतना डालना है कि चने डिप हो जाएं अच्छे से, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ क्या होगा, सीटी लगेगी तो ये बाहर निकलता जाएगा। और इसमें जो भी सूखे खड़े मसाले हैं वो हम उबालते हुए मैं तो डाल देती हूँ, इससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है, सारा फ्लेवर एक्सट्रैक्ट हो जाए जब हम उसको उबाल रहे हैं। तो मैंने इसमें डाला है काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, मोटी इलायची, छोटी इलायची, जो भी सूखे मसाले आप डालना चाहते हो एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग डाल दो, तो बहुत ही अच्छी खुशबू अरोमा आता है चनों में से। इसमें डाल देंगे सॉल्ट, और क्योंकि आज मैं येलो कलर के चने नहीं बल्कि ब्राउन कलर के चने खाना चाहती हूँ तो मैंने हल्दी नहीं डाली है, अदरवाइज मैं इसी स्टेप पे हल्दी भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी नहीं डाली है। और इसको अब हमको सीटी लगानी है, कम से कम 4 से 5 सीटी, आधा घंटा आप इसको सिम करके गैस रख दो तो आपके चने बहुत बढ़िया बॉयल हो जाते हैं। अगर नहीं बॉयल होते हैं तो उसमें पिंच ऑफ मीठा सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा, वो डाल दो, उससे बहुत ही अच्छे चने बॉयल हो जाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 बड़े टमाटर, 3 प्याज, खूब सारा अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन में कंजूसी करी तो सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। और इनको सबको मैंने मोटा मोटा ही चॉप करा है क्योंकि इसको सबको मैं मिक्सी में पीस लूंगी अलग 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 अलग। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके अंदर मैं डालूंगी खूब सारा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा ज्यादा करके। मसाले अच्छे से तभी भुनते हैं जब हम उसमें थोड़ा ज्यादा खुला ऑयल डालें। जैसे ऑयल गर्म होगा इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे हींग। हींग क्यों डालते हैं, ताकि ये जो चने होते हैं वाइट छोले खासकर, ये थोड़े से हैवी होते हैं, तो हींग से अच्छा फ्लेवर तो आता ही आता है और साथ में गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को हैवी चीज़ें खा के, वो नहीं होती हैं। इसमें हम डालेंगे हींग और साथ में डाल देंगे जीरा। जीरा तड़क जाएगा, साथ में डाल देंगे तेज पत्ता, इसका तो क्या खुशबू आता है, किसी भी सब्जी में ये डाल दीजिए। अब डालेंगे अदरक और लहसुन जो हमने चॉप कर लिया है। तो ये अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ प्याज। अब इस प्याज को हमें अच्छे से भुनना है, इतना भुनना है कि ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए। कोई भी सब्जी तभी अच्छी बनती है जब उसमें जो मसाला होता है टमाटर प्याज अच्छे से भुन जाए। टमाटर तो 5 मिनट में आपका भुन जाता है, तो टमाटर को भुनना इज नॉट एन इशू, बट प्याज को भुनना जो बहुत टाइम लेता है और अच्छे से भुनना तरीके से एकदम, वो बहुत एक आर्ट है जो विद द टाइम विद एक्सपीरियंस ही आती है। एक यूनिवर्सल लॉ जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि हर मसाले को मिनिमम 15 to 20 मिनट्स आप भुने ही भुने, मतलब ही नहीं कि आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो आफ्टर 15 मिनट्स प्याज को हाई आंच पे, सेम आंच पे पानी के छींटे डाल के मिला हिला के अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की ग्रेवी। आंच को कर दूंगी मैं कम और अब ये टाइम है, इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। तो इसमें जाएगा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, लिटिल बिट ऑफ हल्दी क्योंकि मेरे को ब्राउन कलर चाहिए इसमें, भर भर के, आई मीन 1 से 2 बड़े चम्मच किचन किंग पाउडर, ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है।
और थोड़ा सा पाव भाजी पाउडर, ये भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर एंड कलर दोनों देता है। अब इसमें डालेंगे देगी मिर्ची खूब सारी, मतलब एक छोटा चम्मच भर के। साथ में डलेगी कश्मीरी मिर्ची, इन दोनों में ही मिर्ची नहीं होती है, इट्स जस्ट फॉर द कलर एंड अरोमा। अब डलेगा कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी के बाद डलेगा गरम मसाला। और अब हमारा ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं, आजकल महाभारत देख रहे हैं तो वैसी ही लैंग्वेज हो गई है, तो अब जाएगा ब्रह्मास्त्र या फिर सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है अनारदाना। तो ये अनारदाना जो था ये मेरे पास इस फॉर्म में था, दाने दाने जैसे था, तो मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है और इसको पाउडर फॉर्म में कर दिया है। इसको डालते ही ग्रेवी का कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। तो ये जो डार्क कलर ऑफ द ग्रेवी आया है ये अनारदाने की वजह से आया है। थोड़ा सा हम इसमें बाद में डालेंगे। चने डालने से पहले मैं इसमें से सारे सूखे मसाले निकाल लूंगी ताकि वो मुंह में ना आए। तो इधर हमारी ग्रेवी का मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है जैसा मुझे चाहिए था, और खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। माय हस्बैंड वाज सेइंग कि वेट नहीं हो रहा है, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो अभी मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम छोले डाल देंगे। अब थोड़े से चनों को आप मैश कर दो, आप डालने से पहले ही, एक्चुअली मुझे मैश करने चाहिए थे मैं भूल गई, तो आप चनों को डालने से पहले थोड़े से 1/4 जैसे बाउल में से चने निकाल के उनको मैश कर दो। उससे क्या होगा कि वो ग्रेवी में बहुत अच्छे से उसको थिकनेस देते हैं। तो पिंडी छोले जो हैं वो थोड़े ड्राई ही बनते हैं। अब इसमें लास्ट में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल ये राइस के साथ नहीं बल्कि बेस्ट तो जाते हैं भटूरों के साथ।